एक सरपंच सिर्फ इसलिए गुंडागर्दी पर आमादा हो गया क्योंकि उसके कहने से भी अपात्र लोगों को मकान नहीं दिए गए। इसके बाद गुस्साए सरपंच ने पंचायत के सहायक सचिव की पिटाई कर दी। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ये मामला अमरपाटन के ग्राम ईटमा कोठार का है, जहां पंचायत भवन में सरपंच प्रभाकर सिंह ने सहायक सेक्रेटरी सुखधाम पटेल को कमरे में बंद कर पिटाई कर दी। उसके बाद दोनों पक्ष शिकायत करने पुलिस स्टेशन पहुंच गए। बताते हैं कि सरपंच कुछ अपात्र लोगों को आवास दिलवाना चाहते थे, लेकिन जब यह संभव नहीं हो पाया तो सरपंच तेश में आ गए और सहायक सचिव की इतनी पिटाई की कि उनका हाथ टूट गया, जिसकी शिकायत पीड़ित ने अमरपाटन थाने में की। सर मैं तकरीबन सर घर से 11 बजे ग्राम पंचायत भवन में गया, कंप्यूटर चला रहा था। सिक्योरिटी साहब मुनीम साकेत मेरे समक्ष में हम दोनों काम कर रहे थे साहब। इसके बाद सरपंच साहब बुलाए, मैं सरपंच साहब के पास गया तो गाली गलौज किए, बोले आवास में इसका फिट क्यों नहीं किए। मैं बोला कि ग्राम पंचायत से हम एक्स्ट्रा सीट बना के जनपद भेज दिए गए। और इसके बाद अचानक गाली गलौज किए, मारे, मारने के बाद मेरा हाथ बाया हाथ फ्रैक्चर हो गया सर, लगता है टूट गया। मुंह में मारे, लात मारे, मुंह में सिर में डंडे से मारे सर। ये विवाद इसलिए हुआ कि सरपंच ने प्रधानमंत्री आवास योजना में अपात्रों को आवास देने की सिफारिश की थी और जब सहायक सचिव ने मना किया तो उसे पंचायत भवन में बंद कर मारपीट की। वहीं सरपंच भी शिकायत लेकर अमरपाटन पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा सहायक सचिव को लोगों ने मारा है। एक महीने पहले हमारे यहाँ पंचायत में लाडली आवास की लिस्ट बनी थी, फार्म भरे थे लोग बाद। अब जब लिस्ट ऑनलाइन हुई तो हाँ, जितने लोग फार्म भरे थे उनमें आधे लोगों का नाम है नहीं है, तो सब लोग आज पंचायत में गए, वो अपना अपना नाम देखने लगे। फिर पूछे कि हमारा नाम क्यों नहीं है, तो सहायक सेक्रेटरी उनसे बात भी बात करने लगा। उसी बीच में उन सब लोगों का झगड़ा हो गया, और जब झगड़ा हो गया तो हम लोग आके बीच बचाव किए, तो ये सहायक सेक्रेटरी वहाँ से भाग दिया। अब पब्लिक उसको रगड़ ली, अब हम लोग आगे क्या हुआ। वो आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।